Hello friends, welcome back to our channel. In today's video, I will show you how to solve hang problem. अगर आपका फ़ोन हैंग कर रहा है, बहुत स्लो चलता है, अटक कर चलता है, कोई भी एप्लीकेशन ठीक से ओपन नहीं होता है, तो इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करेंगे? दोस्तों, मैं इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिससे आपका फ़ोन बहुत फास्ट हो जाएगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। नंबर वन, फ़ोन रिस्टार्ट। अगर आपका फ़ोन पूरी तरीके से हैंग कर गया है, बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले अपना फ़ोन को फोर्स रिस्टार्ट कीजिए। रिस्टार्ट करने से फ़ोन थोड़ा फास्ट हो जाएगा। फिर हम स्टेप बाय स्टेप सारे सेटिंग्स चेंज करेंगे। पावर बटन को 10 सेकंड तक दबाए रखिए। जब डिस्प्ले के ऊपर ब्रांड का लोगो दिखाई देगा, तब छोड़ देना। फिर आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा। नंबर टू, डेवलपर ऑप्शन। हमारे डिवाइस में ये ऑप्शन हिडन रहते हैं। इसके अंदर कुछ सेटिंग्स हैं, जिन्हें चेंज करने से फ़ोन फास्ट हो जाएगा। सेटिंग्स में जाइए, अबाउट फ़ोन में जाइए, इसके बाद ओएस वर्जन के ऊपर 7 times क्लिक करना है। फिर डेवलपर मोड एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ से बैक आइए, इसके बाद 7 बार पे फाइंड करना है स्केल। ये जो इंस्ट्रक्शन आया है, इस पर क्लिक कीजिए। दोस्तों, विंडो एनिमेशन स्केल बाय डिफॉल्ट 1x सेट रहेगा, इसे चेंज करके 0.5x सेट कीजिए। इस तरीके से ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल और एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल 0.5x सेट कीजिए। इन तीनों सेटिंग चेंज करने के बाद आप देख पाएंगे कि आपका फ़ोन पहले से बहुत फास्ट हो गया है। नंबर थ्री, फ्री अप स्टोरेज। चाहे जो कुछ भी कर लो, अगर स्टोरेज भर गया है तो फ़ोन हैंग करने लगेगा। फ़ोन स्टोरेज खाली करने के लिए सबसे पहले आपके फ़ोन में जितने सारे फालतू की एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ है और जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दीजिए। दोस्तों, डेली फ़ोन यूज़ करने से इंटरनल स्टोरेज कैश फाइल से भर जाता है। या फोन सेटिंग्स के अंदर अबाउट फोन में जाके स्टोरेज स्पेस चेक कर सकते हैं और हफ्ते में 1-2 बार फ्री अप पे टैप करके फ़ोन की कैश फाइल डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा आप फोटो या वीडियो वगैरह डिलीट करके स्टोरेज खाली कर सकते हैं। आपके फ़ोन में जो इंटरनल स्टोरेज दी गई है, वह कम से कम 10 GB खाली रखना चाहिए। नंबर फोर, रैम मेमोरी। दोस्तों, फ़ोन मेमोरी के साथ साथ रैम स्टोरेज को भी खाली रखना होगा। बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन खुला ना रखें, नहीं तो फ़ोन गर्म होगा और लैग करेगा। रिसेंट ऐप लिस्ट ओपन करके बैकग्राउंड में जो चल रहा है, उसे क्लोज कर दीजिए। अब देखिए, रैम मेमोरी खाली हो गया है। दोस्तों, अब अपने डिवाइस में रैम स्टोरेज को वर्चुअली बढ़ा सकते हैं। इस फीचर्स का नाम है मेमोरी एक्सटेंशन। सेटिंग्स ओपन करके यहाँ 7 बार पे फाइंड करें मेमोरी एक्सटेंशन। इस इंस्टॉलेशन पर क्लिक करते ही आप सीधा वर्चुअल रैम सेटिंग्स पर चले जाएंगे। फिलहाल मेरे डिवाइस में 4 GB एक्स्ट्रा रैम ऐड किया हुआ है, जो आप यहाँ से देख सकते हैं। आप चाहे तो 6 GB या 8 GB रैम बढ़ा सकते हैं, जो आपको मल्टीटास्किंग और गेम खेलते समय मदद करेगा। यहाँ कितने GB ऐड करना चाहते हैं, उसे सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद रिबूट पर क्लिक करते ही वर्चुअल रैम ऐड हो जाएगा। नंबर फाइव, सॉफ्टवेयर अपडेट। फ़ोन अपडेट करने के बाद कई बार हमारा फ़ोन स्लो हो जाता है। अगर आपने हाल ही में अपना फ़ोन अपडेट किया है और तब से आपका फ़ोन हैंग कर रहा है, तो हो सकता है कि उस सॉफ्टवेयर अपडेट में कोई समस्या था। दोस्तों, चिंता ना करें, अगला जो अपडेट आएगा उसमें आपका प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाएगा। नंबर सिक्स, फैक्ट्री रीसेट। दोस्तों, वीडियो में बताया गया सभी प्रोसेस को फॉलो करने के बाद अगर हैंगिंग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इस फ़ोन को एक बार फैक्ट्री रीसेट करना पड़ेगा। फैक्ट्री रीसेट मतलब आपका फ़ोन फॉर्मेट करना होगा, इससे फ़ोन का परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। फ़ोन सेटिंग्स ओपन करके यहाँ 7 बार पे फाइंड करना है फैक्ट्री। इस इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करते ही आप सीधा फ़ोन रीसेट ऑप्शन पर चले जाएंगे। फैक्ट्री रीसेट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फ़ोन में जितने सारे फोटो, वीडियो, इंपॉर्टेंट डेटा स्टोर हैं, उन सभी डेटा का बैकअप ले लीजिए या पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र कर लेना, क्योंकि रीसेट करने के बाद सारे डेटा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। इसके बाद इरेज ऑल डेटा पर क्लिक करके लॉक स्क्रीन का पासवर्ड डाल देंगे। फिर फैक्ट्री रीसेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ 10 सेकंड का टाइमर खत्म होते ही नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद ओके पर क्लिक करते ही डिवाइस रिसेट होना शुरू हो जाएगा। फैक्ट्री रिसेट करने से पहले की तरह फ़ोन नया जैसा बन जाएगा और अगली 5-6 महीने तक फ़ोन में लैग इशू देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, फ़ोन लैग करने के पीछे और भी कई सारे कारण हो सकते हैं। अगर आप काफ़ी टाइम से चार्जिंग में लगा के गेम खेल रहे हो या फ़ोन में हैवी काम कर रहे हो, जिसकी वजह से फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, इस स्थिति में सभी टास्क बंद करके फ़ोन को थोड़ा ठंडा कर लें। जब प्रोसेसर धीरे धीरे गर्म होता है, फ़ोन और भी हैंग करने लगते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।